संजय सिरसाट का ये खत एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया हुआ है और उसमें सवाल उठाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल जो सोशल मीडिया से एड्रेस किया वो एड्रेस एक भावनात्मक भाषण था, लेकिन उस भाषण में हमने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए हम आपको ये खत लिख रहे हैं। अंजना, ये बहुत ही सीधा हमला है उद्धव ठाकरे पर, सीधा सीधा हमला करते हुए संजय सिरसाट के जरिए एकनाथ शिंदे ये हमला कर रहे हैं कि आपके दरवाजे पिछले 2.5 साल में आप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके अधिकृत निवास स्थान पर हमें कभी एंट्री नहीं मिली, आपने हमें कभी मिलने की भी दिक्कत नहीं उठाई, आपके आसपास के लोग जो सोशल मीडिया पर दिखते थे, मीडिया में दिखते थे, वो स्ट्रेटेजिस्ट कहते थे अपने आप को, चाणक्य अपने आप को कहते थे, वो हमें आपसे मिलने से रोकते थे, उन्होंने आपको घेर कर रखा था, हमें अयोध्या जाने से रोका गया था। साहिल देखिए मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे के आसपास जो उनके नजदीकी लोग माने जाते थे, भले फिर वो संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे के आसपास जो लोग थे, उनके आसपास के लोग हों, उन पर ये सीधा इशारा कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के जरिए किया गया है। मुझे तो लगता है कि ये सीधा संजय राउत पर हमला करने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो इसके वजह से भड़का है क्योंकि पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वर्षा, जो मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, वहां पर कांग्रेस और एनसीपी के नेता वहां पर जाते थे, अपना काम कराते थे, फंड्स का एलोकेशन कराते थे, लेकिन शिवसेना के विधायकों को वहां पर एंट्री नहीं मिल पा रही थी और इसी के वजह से यह पूरा गुस्सा यहां पर निकला है। उसमें यह भी लिखने की कोशिश की है कि एकनाथ शिंदे हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे और ये जो बगावत हुई है वो एकनाथ शिंदे ने खुद नहीं की है, तो सारे विधायकों ने मिलकर उन्हें कहा कि अब न्याय के लिए हमको यह बगावत करनी पड़ेगी और इसीलिए हम यह बगावत कर रहे हैं। और आखिर में वो लिख रहे हैं कि कल आपने बड़ा भावनिक भाषण किया, लेकिन उस भावनिक भाषण में हमारे जो मुद्दे थे वो मुद्दे आपने उसका जवाब नहीं दिया है, हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, आप हमारे सवालों के जवाब दे, इसीलिए मैं आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं। अब इसका जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से आता है या संजय राउत की तरफ से आता है यह बात हमें देखनी होगी, लेकिन यह चिट्ठी संजय सिरसाट के जरिए एकनाथ शिंदे ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है। अभी शिवसेना के विधायकों की एक बैठक वर्षा निवास स्थान पर चल रही है जहां पर उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है, लेकिन उस बैठक के बाद अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो वो बड़ी बात होगी। बिल्कुल साहिल, पूरी चिट्ठी आपने हिंदी में सुना दी, पूरी चिट्ठी पर यादव जी कुछ तो कहिए, बोलिए, ये बीजेपी नहीं करा सकती ना, ऑपरेशन लोटस है तो ये तो अब लग रहा है कि ऑपरेशन धनुष है, तीर है, नहीं शेर नहीं, है, ऑपरेशन तो सारा का सारा तो, ठीक रहा तो फोड़ा जा रहा है उन लोगों पर, विधायक मिल ना पाए अपने अपने मुख्यमंत्री से, अब ये कष्ट कौन दूर करेगा? फडणवीस, नहीं ऑपरेशन तो ये लोटस ही है, बाकी दूसरी बात ये है कि उद्धव जी ने तो कल खुला बोल दिया कि भाई आपकी कोई भी शिकायत है आप आओ सामने, तो वो तो बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें आने नहीं दे रहे, आप आइए ना, उद्धव जी ने खुद बोला है कल, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप चाहते हो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूं वो भी दे दूंगा, तो इससे बड़ी और क्या बोलना है, और इससे बड़ी बात और क्या बोलनी चाहिए आप बताइए मुझे। अरे 2.5 साल मिले नहीं, उसका हिसाब मांग रहे ना लोग, तो 2.5 साल में तो पहले कभी विरोध ऐसा कोई बात सुनी नहीं थी, और अगर 2.5 साल में नहीं मिले अब मिल रहे हैं तो अब आए सामने, बताएं जरा आमने सामने क्यों नहीं आ रहे, सामने आके बता दें। सुजाता जी से ऑपरेशन लोटस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कुछ देर पहले हमारे साथ दीपक केसरकर भी थे, वो यही कह रहे थे कि अब हम सरकार बनाएंगे, पहले हम पार्टी को रिकॉग्निशन अपना दिलाएंगे और फिर अगला कदम होगा सरकार बनाने का। अब कुल मिलाकर ऑपरेशन लोटस ही है ना, सूरत टू गुवाहाटी। अरे रुकिए यादव साहब, अपनी बारी में तो एक एक लाइन बोल के आप रुक जाते हैं, अब दूसरे को भी बोलने दीजिए। सुजाता जी, बीजेपी का हाथ कैसे नहीं है? बीजेपी का हाथ है कि नहीं है ये तो बाद की बात है, पर ये सबसे पहले देखना कि ये तीर कमान किसके साथ चला गया। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, अभी अभी जो आप चिट्ठी जो साहिल पढ़ रहे थे, मुझे लगता है उसके बाद कुछ भी किसी तरह की शंका की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अंजना जी, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन आज हम देख रहे हैं कि जब पहली बार एक शिव सैनिक अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी भविष्य, अपने भाव को लेकर इतना मुखर है, वो शिव सैनिक जो बाला साहेब ठाकरे की एक कहने पे अपनी जान निछावर करने को तैयार था, आज इतना सब कुछ हो रहा है। अंजना जी, पोस्टर लग रहा है एकनाथ शिंदे के बाला साहब ठाकरे के साथ में, कहने ये कह के कि ये जो जो शिंदे की जो घटक है वही से सच्ची शिवसेना है, और एक रोष नहीं दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में,
ये वही शिव सैनिक है ना जो जो एक 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 वाहन पे जाके नेवी ऑफिसर का की आंख फोड़ाते थे और क्या क्या कराते थे। आज कहाँ है वो शिव सैनिक? क्या आपको अभी भी नहीं दिखता? आज ये कह रहे हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता है, आप कह रहे हैं कि 2.5 साल नहीं मिले तो क्या हुआ, अभी आके मिल जाओ। क्या इस तरह का होता है मुख्यमंत्री? ठीक है, क्या ठीक है। मैं लौट रही हूँ माणिक राव ठाकरे साहब, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठाकरे जी, जी मामला तो गड़बड़ हो गया लगता है, क्योंकि वो 37 से ज्यादा का दावा करके एकनाथ शिंदे वहां पर बैठे हुए हैं, और अब चिट्ठी भी आई है एक विधायक की, वो कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस और एनसीपी वालों से मिल लेते थे, शिवसेना के विधायकों से नहीं मिलते थे मुख्यमंत्री जी। हमने तो उद्धव जी के शिवसेना को सपोर्ट किया था, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने, और हमारे जो भी एमएलए कल यहाँ पे मीटिंग हुई, सभी 44 एमएलए हमारे उपस्थित थे, कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने सबसे बातचीत करने के बाद ये स्पष्ट किया है कि उद्धव जी जो भी डिसीजन लेते हैं उनके साथ हम है, ये उद्धव जी को भी उन्होंने फोन पर कहा था, और उस तरीके से सबसे बातचीत करने के बाद ये राय उन्होंने दी थी, और एनसीपी का भी सपोर्ट है। अब इंटरनल शिवसेना की बात है कि उनके अंदर क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट जो है वो शिंदे जी को दिया हुआ था, उद्धव जी ने एक विश्वास के नेतृत्व पर दिया जाता है, और उन्हीं के माध्यम से जो पहले सड़क योजना चलती थी ग्रामीण एरिया की, देहात की, वैसे ही योजना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के वक्त उन्होंने ये कहा था कि हमको शहर के लिए भी ऐसी योजना चाहिए, और उसके तहत उन्होंने काफी एमएलए को पैसा भी दिया। लेकिन ये सब पहले भी जो शासन में एकनाथ जी थे और ये भी शासन में थे, उनको बड़ी अच्छी पोजीशन थी ऐसा हमें कहते थे, ठीक और है। जो भी उद्धव जी के बाद जो भी कोई सेकंड पोजीशन में है तो वो एकनाथ जी है, इस तरीके से बात होती थी, और उन्हीं के तरफ सब ठीक है, एमएलए भी जाते थे। स्वाभाविक है ठीक है कि अगर उनकी तरफ जिम्मेदारी दी है तो सब एमएलए उन्हीं की तरफ जाएंगे।